दोस्तों समुद्री समीर चलती है। ऑप्शन आपके सामने है, चूज कीजिएगा कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है दिन के समय। याद रखिएगा मोस्ट मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, समुद्री समीर चलती है दिन के समय। जो मैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बताता हूँ वो या तो यूपी TSSC में पूछा जाता है या SSC में, या तो क्वेश्चन UPPCS में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टम उड़ती है। याद रखिएगा हरमट्टम शुष्क पवन है। कभी कभी पूछ लेता है कि हरमट्टम कौन सी पवन है, शुष्क पवन है या ठंडी पवन है, तो हरमट्टम जो है शुष्क पवन के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर गेस कीजिएगा कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है सी, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। ऑप्शन आपके सामने है, बस गेस कीजिएगा कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर है चक्रवाती गतिविधि। याद रखिएगा चक्रवाती गतिविधि के कारण फ्रंटल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, फिलीपींस जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देश का नाम आप लोग याद रखिएगा, फिलीपींस जापान और चीन, यानी चीन सागर, चीन के जो बगल में चीन सागर, उसमें कौन सी चक्रवाती तूफान आता है उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने हैं, गेस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है सी, यानी टाइफून, टाइफून नामक दोस्तों चक्रवाती तूफान आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, निम्न में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कौन सा सही हो सकता है। सबसे विनाशकारी जिसमें आपको देखना है, और सभी ये दोस्तों ये चक्रवात हैं, टाइफून, हरिकेन, टार्नेडो और तीलझंझा, ये सभी लोग चक्रवात के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों 5वें का डी, यानी टार्नेडो जो है सर्वाधिक विनाशकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। याद रखिएगा रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं, उसका कारण यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, गेस कीजिएगा कौन सा सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है डी, यानी निम्न आर्द्रता के कारण। याद रखिएगा कहीं भी बारिश होती है तो वह आर्द्रता के कारण ही बारिश होती है। जहाँ पे आर्द्रता दोस्तों होगी वहाँ पे अधिक बादल बरसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है। ऑप्शन आपके सामने है, मोस्ट मोस्ट एमपी क्वेश्चन, बहुत बार UPSC में पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों सही आंसर है वर्षा स्तरी। याद रखिएगा वर्षा स्तरी मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है, क्योंकि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वर्षा जो सबसे अधिक मेघ उत्पन्न करता है इसके आगे वर्षा लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। याद रखिएगा कौन सा मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ये SSC में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है पछाब मेघ। याद रखिएगा पछाब मेघ दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। मोस्ट मोस्ट एमपी क्वेश्चन, उसे सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है कैस्पियन सागर। याद रखिएगा कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील है, क्योंकि इसके पीछे सागर लगा हुआ है लेकिन यह सागर नहीं है, यह झील है। याद रखिएगा कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। याद रखिएगा सबसे बड़ी यहाँ पे मीठे जल की झील की बात की जा रही है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है सुपीरियर झील, यानी सुपीरियर झील दोस्तों सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। सबसे अधिक दोस्तों ऊंचाई पर कौन सी झील है जहाँ पर नौका चलाई जाती है, इसका अर्थ यही है। ऑप्शन आपके सामने है, गेस कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है टिटिकाका झील। इसका ये दोस्तों टिटिकाका झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, निम्न में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर में नहीं लगी है, कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, गेस कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है दोस्तों ए, यानी आर्मेनिया। याद रखिएगा दोस्तों आर्मेनिया का कैस्पियन सागर से नहीं लगा है, आर्मेनिया एक देश है, और जो है जो तीनों आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं एक कैस्पियन सागर से की सीमा से लगा हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों देखते हैं। कैस्पियन सागर स्थित है,
कैस्पियन सागर स्थित है, ऑप्शन आपके सामने हैं, बता सकते बताइए किसके किसके बीच में कैस्पियन सागर स्थित है, गेस कीजिएगा कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो दोस्तों कैस्पियन सागर जो है रूस और ईरान के बीच में स्थित है। देखिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, कैस्पियन सागर रूस और ईरान के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ये मोस्ट एमपी यूपीटी प्लस सी और यूपी पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है। झील आपके नीचे सामने है, ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है बैकाल झील। याद रखिएगा बैकाल झील सबसे गहरी झील के अंतर्गत आती है, पर्ल ऑफ साइबेरिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है और इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल, याद रखिएगा पृथ्वी सबसे ऊंचा स्थल माउंट एवरेस्ट है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल, ऑप्शन आपके सामने है, गेस कीजिएगा कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है मृत सागर। याद रखिएगा दोस्तों मृत सागर जो है प्रशांत महासागर में है, मृत सागर सबसे गहरा स्थल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टोटल क्वेश्चन हो चुका है, टोटल क्वेश्चन 15 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर मॉक टेस्ट 17 का देखते हैं कौन सा आज मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो मॉक टेस्ट 17 का क्वेश्चन आज का प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन बहुत बार यूपीपीएससी और यूपीटीएससी में पूछ लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, फिनलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड या आयरलैंड। निम्न में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मॉक टेस्ट 17 के चैंपियनशिप में नाम अपना लिखवा लीजिए और मैं मॉक टेस्ट 18 जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। तो दोस्तों मैं फाइनली उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप यूपीटीएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा और इसका पीडीएफ मैं pkonlinetest.com पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड इसका पीडीएफ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको मॉक टेस्ट मिलता रहेगा पर डे। धन्यवाद।